गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट मेथड है दैट इज बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग क्या होती है उसे समझने से पहले एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी आप कह दीजिए कि सिनेरियो या स्टोरी टाइप, उसको समझना ज़रूरी है। इसमें होता क्या है, उससे पहले जब आप किसी भी सिक्योरिटी का ऑक्शन करते हैं तो क्या होता है, बिडिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, ऑक्शन में बिडिंग होती है। बिडिंग मतलब बोली लगाना। तो बुक बिल्डिंग कुछ वैसा ही प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, कंपनी को ये पता है कि उसे कितना पैसा चाहिए, लेकिन वो उसे ये वो पहले से डिसाइड नहीं करती कि कितना प्राइस वो रखेगी शेयर का या सिक्योरिटी का और कितना नंबर वो रखेगी। उसे सिर्फ अमाउंट पता है पहले। तो वो क्या करती है, वो स्टॉक मार्केट में जाती है, सिक्योरिटीज मार्केट में जाती है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके वो पर्संस को बोलती है जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें ऑफर करती है, उन्हें ऑफर इन द सेंस कि उनसे मांगती है कि आप किसी भी सिक्योरिटी की जो वो इशू कर रहे हैं उस सिक्योरिटी की आप कितनी बोली लगाएंगे, मतलब कितने प्राइस पे आप उसके कितने शेयर्स को खरीदने के लिए रेडी हैं। तो जो बिड कहते हैं, बिड किसे कहते हैं, जो आप बोली लगा रहे हैं उसे बिड कहते हैं। ये जो बिडिंग का पूरा प्रोसेस है, इसे पूरा कंट्रोल करने के लिए जो कंपनी है वो पर्संस को अपॉइंट करती है, जो अथॉरिटी है, मर्चेंट बैंकर है, सिंडिकेट का मेंबर हो सकता है, उसे वो अपॉइंट करेगी जो बुक रनर की तरह काम करेगा। बुक रनर मतलब वो पूरा जो भी पूरा प्रोसेस है उसको लुकआउट करेगा। तो इस तरीके से जब वो बोली लगा रही है तो बोली में एक चीज़ भी हो रही है कि वो एक फ्लोर प्राइस डिसाइड करते हैं। फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम बोली कितने की होनी चाहिए, मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए। एक टर्म जो यहाँ पे यूज़ होती है दैट इज़ प्राइस बैंड। प्राइस बैंड का मतलब है कि जो आपका प्राइस है मिनिमम और मैक्सिमम कितने के बीच होगा, वो एक रेंज आप दे देते हैं। सपोज आपने प्राइस बैंड रखा 20 to 30, इसका मतलब कि जो आपका शेयर है उसका प्राइस 20 to 30 के बीच में हो सकता है। 20 को हम कहेंगे फ्लोर प्राइस, मिनिमम प्राइस, और जो आपका 40 है वो मैक्सिमम प्राइस हो गया कि जिसने भी खरीदने हैं वो शेयर, जो भी खरीदना चाहता है वो 20 से 30 के बीच में जो अपनी बोली है वो लगा सकता है। इसमें एक चीज़ और होती है कि जो भी आपकी सिक्योरिटी है सारी की सारी सिक्योरिटी आप पब्लिक को इशू नहीं करते हैं। कुछ सिक्योरिटीज़ जो हैं, मतलब पोर्शन पहले से डिसाइड होता है कि 60% आपने इंस्टीट्यूशनल के लिए रखना है या 40% रखना है, वो जो रेशो है वो पहले से डिसाइड होती है। तो इस तरीके से ये जो पूरा बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है वो ऑपरेट करता है। तो ये एक अनऑफिशियल सी, जिसे हम कहते हैं, आपको सिनेरियो बताया गया कि कैसे बुक बिल्डिंग काम करता है। अब इसको हम टेक्निकली देखते हैं ये कैसे काम करता है। बुक बिल्डिंग नया ऑप्शन है फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज। फर्स्ट गाइडलाइंस जो इसके रिगार्डिंग आई थी, बुक बिल्डिंग के रिगार्डिंग, वो इशू हुई थी October 12, 1995 को, और टाइम टू टाइम इसकी जो रिवाइज गाइडलाइंस हैं वो आती रहती हैं। बुक बिल्डिंग एक मेथड है इशू ऑफ शेयर्स करने का, जहाँ पे फ्लोर प्राइस पहले आपको बताना होता है। ये बेस्ड जो मेथड है वो फ्लोर प्राइस पे है। फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस आपको पहले बताना होता है जिस पे आप सिक्योरिटीज सेल करना चाहेंगे। जो आपको बताना होता है बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बिडिंग प्रोसेस, मतलब जो बोली लग रही है, बिडिंग जो लग रही है, उसके ओपन होने से पहले आपको फ्लोर प्राइस बताना होता है। और जो इशू का प्राइस है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फ्लोर प्राइस है कि मिनिमम प्राइस जो कंपनी बताती है कि इससे बोली शुरू होनी चाहिए। उसके बाद जिस प्राइस पर आप फाइनली सिक्योरिटीज़ को सेल करने वाले हैं, वो पूरा जो बिडिंग प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद जो है कंपनी और जो मर्चेंट बैंकर है जिसको आपने अपॉइंट किया है एज अ बुक रनर, और जो आप
स्टॉक एक्सचेंज है उनसे कंसल्टेशन के बाद वो प्राइस डिसाइड होता है जिस पे सिक्योरिटीज को एक्चुअली इशू किया जाना है। तो जो इशू प्राइस है वो फिक्स होता है आफ्टर जब बिड क्लोज हो जाती है, तो क्लोजिंग डेट जो होगी बिड की उसके बाद जो प्राइस है इशू प्राइस वो फिक्स होगा। बुक बिल्डिंग में फर्म अलॉटमेंट करती है इंस्ट्रूमेंट का, किसको? सिंडिकेट को या किसी एक मर्चेंट बैंकर को। ये सिंडिकेट और मर्चेंट बैंकर कौन सा है? मर्चेंट बैंकर, सिंडिकेट मेंबर, सिंडिकेट एक तरीके से एक नंबर ऑफ पर्संस होते हैं। जैसे नंबर ऑफ पर्संस अगर एक ग्रुप बना रहे हैं और वो मिलकर किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं तो उसे सिंडिकेट कहा जाता है। मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना ज़रूरी होता है जब भी आप बुक बिल्डिंग का प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। तो मर्चेंट बैंकर को या किसी भी सिंडिकेट मेंबर को आप बुक रनर, लीड बुक रनर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं। लीड बुक रनर का मतलब होता है वो पार्टी, वो पर्सन, वो इंस्टीट्यूशन जिसे आप अपॉइंट कर रहे हैं एज अ बुक रनर। बुक रनर का मतलब है वो पर्सन जिसका काम है कि जो पूरा प्रोसेस है बुक बिल्डिंग का उसको देखना। और बुक रनर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज़ जो भी शेयर्स हैं उसको वो अंडर राइट करता है कि अगर बोली नहीं लगी या पर्सन जो है वो प्रॉपर सब्सक्राइब नहीं किया उसको, तो वो उसको अंडर राइटिंग का जो है उसको कंपलसरी होता है अंडर राइट करना इशू को जो भी बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू आप ऑफर कर रहे हैं। तो जो लीड मर्चेंट बैंकर है या सिंडिकेट मेंबर है वो नॉमिनेटेड होगा एज अ बुक रनर जिसे नॉमिनेट करेगी इश्यूअर कंपनी। उसके बाद बुक रनर क्या करता है, जो भी आपका ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है उसको फाइल करेगा सेबी के पास, और जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो एलिजिबल हैं अलॉटमेंट के लिए उन्हें वो ऑफर करेगा, जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है वो उन्हें वो देगा। तो जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है उसमें प्राइस बैंड होना चाहिए आपका, जहाँ विद इन विच जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं वो ऑफर्ड होंगी सब्सक्रिप्शन की, जैसे 20-30 का मैंने एग्जांपल आपको दिया था। उसके बाद जो ऑफर्स हैं वो बुक रनर्स को सेंड किए जाएंगे, जो भी इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड हैं सब्सक्राइब करने के लिए उनको बुक रनर्स को वो अपने ऑफर सेंड करेंगे। ऑफर इन द सेंस कि हम इतनी सिक्योरिटीज इतने प्राइस पर ले सकते हैं, बोली एक तरीके से वो लगाएंगे। उसके बाद जो बुक रनर है रिकॉर्ड करेगा उनका नेम, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जो इंस्टीट्यूशनल बायर ऑफर कर रहा है, और उसके लिए एक वो बुक मेंटेन करेगा विद इन द प्लेसमेंट पोर्शन। ये चीज़ मैंने जो आपको पहले बताई कि जब बुक बिल्डिंग के थ्रू आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो सारी की सारी सिक्योरिटीज खाली इंडिविजुअल्स को नहीं ऑफर की जाती हैं, पब्लिक को ऑफर नहीं की जाती हैं, वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स को भी ऑफर की जाती हैं। और वही चीज़ यहाँ पे हम पोर्शन की बात कर रहे हैं कि किस पोर्शन को आप इंस्टीट्यूशनल बायर्स को ऑफर करते हैं। तो उसके बाद जो अंडरराइटर है वो इंटीमेट करेगा जो भी उसको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं प्लेसमेंट पोर्शन में, और प्राइस जिस प्राइस पर ऑर्डर उसको रिसीव हुए हैं वो बुक रनर को बताएगा। उसके बाद जो बुक रनर है, जो इश्यूअर कंपनी है, वो डिसाइड करेगी कि क्या प्राइस फाइनलाइज करना है उस पोर्शन के शेयर्स का जो आपने प्लेसमेंट पोर्शन के थ्रू ऑफर किया है। प्लेसमेंट पोर्शन का मतलब है जैसे सपोज आपने 100 शेयर्स ऑफर किए हैं, एग्जांपल लेते हैं, हम 100 शेयर्स ऑफर किए हैं और आपने कहा कि जो 80 शेयर्स हैं आपने उन शेयर्स को आपने प्लेसमेंट के थ्रू करना है। प्लेसमेंट के थ्रू मतलब जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनको आपने ऑफर करना है। तो जो प्लेसमेंट को आप प्लेसमेंट के थ्रू आप जो शेयर्स को ऑफर कर रहे हो उनका प्राइस, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उनका प्राइस वो फाइनलाइज करेगा बुक रनर इश्यूअर कंपनी। प्लेसमेंट पोर्शन का प्राइस जो है वो डिसाइड करेंगे, और जो पब्लिक को आप शेयर्स ऑफर कर रहे हैं उसका प्राइस, और जो प्राइस आपने प्लेसमेंट पोर्शन को प्लेस किया करते हुए दिया है, मतलब जो शेयर्स आप ऑफर कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स को प्लेसमेंट पोर्शन के थ्रू, और जो आप शेयर्स ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को, उनका जो प्राइस है वो सेम होना चाहिए। जो बुक रनर है वो एप्लीकेशन फॉर्म्स कलेक्ट करेगा एप्लीकेशन मनी के साथ एक दिन पहले जब जो इशू है वो ओपन हो रहा है पब्लिक को। पहले ये ऑफर होता है
आपका जो पोर्शन है पहले वो ऑफर होता है, जो बिडिंग प्रोसेस होता है वो किसके ऊपर होता है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स के साथ होता है, उसके बाद ये ओपन होता है पब्लिक के लिए। तो जो बुक रनर है वो कलेक्ट करेगा एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन मनी एक दिन पहले जब जो आपका इशू ओपन हो रहा है पब्लिक को, इंस्टीट्यूशनल बायर से वो उसे कलेक्ट करेगा और जो अंडर राइटर्स हैं उनसे कलेक्ट करेगा। प्रॉपर रिकॉर्ड्स इसके वो मेंटेन करेगा बुक रनर, और जो अदर इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं उनसे जो जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सबको वो रिकॉर्ड करेगा बुक के अंदर, उसी को बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहा जाता है। इन रिकॉर्ड्स को जो सेबी है वो किसी भी टाइम पे इंस्पेक्ट कर सकती है। जो बुक बिल्डिंग का मेथड है वो कंपल्सरी है उन कंपनीज के लिए जो आईपीओस निकाल रही हैं और जिनका कोई स्पेसिफाइड ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिट्स का नहीं है। इन कंपनी को 60% जो वो ऑफर कर रहे हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को देना होता है, उनको अलॉट करना होता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मतलब वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो एलिजिबल हैं अलॉटमेंट के लिए। उसमें कौन कौन आ जाता है? आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स एसेट्रा। सेबी ने इंट्रोड्यूस किए थे मॉडिफाइड रूल सितंबर 5, 1997 को बुक बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए, और जो प्रोसेस है बुक बिल्डिंग का वो एप्लीकेबल होता है 100% अगर आपका जो इशू साइज है वो 100 करोड़ रुपीज या ज़्यादा का है, तो आपको पूरा का पूरा जो आपका इशू है शेयर्स का उसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू करना पड़ेगा। देन आती है गाइडलाइंस क्या है प्रोसेस की बुक बिल्डिंग की। सबसे पहला है लीड बुक रनर, जो इश्यूअर है वो अपॉइंट करता है एक या एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर को एज बुक रनर्स, और उनके नेम्स उन्हें डिस्क्लोज करने होते हैं ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है हमने अपने पिछले लेक्चर में किया है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब है जहाँ पे आपका प्राइस या नंबर ऑफ शेयर्स जितना आप इशू करना चाहते हैं वो डिसाइडेड नहीं होता है। तो जो एक लीड बुक रनर है आप अपॉइंट करेंगे और अदर मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करेंगे, वो को बुक रनर्स या सिंडिकेट मेंबर्स की तरह काम करेंगे। देन सिंडिकेट मेंबर्स कौन से होते हैं? जो बुक रनर्स चाहता है वो अदर सिंडिकेट मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है, मतलब और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपॉइंट कर सकता है आपका जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट अंडरराइटिंग, जो लीड बुक रनर है और जो को बुक रनर्स हैं कंपल्सरी है उनके लिए अंडरराइट करना इशू को, और जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं वो उसे सब अंडरराइट करेंगे लीड बुक रनर के को बुक रनर्स के साथ। जो डिटेल्स होंगी फाइनल अंडरराइटिंग अरेंजमेंट की वहाँ पे ये इंडिकेट होगा, ये गिवन होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स कितने वो अंडरराइट कर रहे हो, और ये प्रॉस्पेक्टस में आपको शो करना है प्रॉस्पेक्टस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करने से पहले। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज, जो इश्यूअर है वो एक एग्रीमेंट करेगा एक या एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस के पास जिनका सिस्टम वो यूज़ कर रहे हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए। नेक्स्ट आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एज बिडिंग और कलेक्शन सेंटर। जो बुक रनर्स हैं सिंडिकेट मेंबर्स हैं वो अपॉइंट करेंगे स्टॉक ब्रोकर्स को, जो मेंबर्स हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के जो रजिस्टर्ड हैं बोर्ड के साथ, और जो अपॉइंट किया जाता है उनको वो किस पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे बिड्स, बोलियां एक्सेप्ट करेंगे, एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेंगे, प्लेस करेंगे ऑर्डर इश्यूअर के साथ, और ये इंश्योर करेंगे कि जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो आप अपॉइंट कर रहे हो वो फाइनेंशियली कैपेबल होने चाहिए, फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए, कि जो वो कमिटमेंट दे रहे हैं कि हम इतना परचेज करेंगे उसको फुलफिल करें अगर जो उनका क्लाइंट है या जो इन्वेस्टर है वो डिफॉल्ट कर जाता है। जो इसका नेक्स्ट कंडीशंस है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।